हेलो माय लिटिल स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन योर मैथ्स क्लास। होप एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीवन इज फीलिंग गुड। सब घर पे सभी लोग ठीक और सुरक्षित होंगे और अपना अपना सभी लोग ध्यान रख रहे होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 14 में हम सिमेट्री का कुछ पार्ट्स कर चुके थे। सिमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने फिनिश किया था। एक्सरसाइज 14.1 के कुछ क्वेश्चन के साथ हम सारे क्वेश्चन उनके खत्म कर चुके थे। अब हमारा कुछ अलग टॉपिक पे है। टॉपिक वही है, बस फिगर अलग अलग हो जाएंगे। सिमेट्री सभी लोगों ने समझ लिया। सिमेट्री का फिगर को वही मतलब होता है कि सिमेट्री फिगर वो होती है जिसका आप आइडेंटिकल शेप एंड साइज बना सकते हो, मतलब जिसकी मिरर इमेज आप ड्रॉ कर सकते हो, जिसकी मिरर इमेज बनाई जा सकती है, वो क्या होते हैं, सिमेट्री फिगर्स बोले जाते हैं। जैसे ये हमारा मार्कर है, मार्कर को आप बी से सिमेट्री फिगर कर सकते हो, लेकिन अगर हम ये कैप निकाल दी, कैप की पूछे तो कैप की सिमेट्री फिगर आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पार्ट डिस्टर्ब कर देगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिमेट्री फिगर के बारे में देखा था। अब जैसे हमारे इंसान है, हमारे बी से सिमेट्री फिगर ये देखो वैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तो कर सकते हो, ठीक है, बॉडी पे हो सकती है। चलो हम बात करते हैं कुछ हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स के कुछ बातें करते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप में कुछ शेप है जिनका देखते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो सिमेट्री को ड्रॉ करने में, आइडेंटिकल शेप बदलने में जो एक लाइन जाती है डॉटेड डॉट डॉट डॉट, उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर इन द, देखो पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं किस फिगर में बात करते हैं, एक लाइन में। देखो फर्स्ट नंबर बात कर रहे हैं लाइन, लाइन तो लाइन क्या होती है, एक लाइन ये है। लाइन में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो भाई लोग, देखो ऐसे ही तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। बात समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लाइन के बाद हम देखते हैं अपने एक एंगल देखते हैं, एंगल, ए एन जी एल, एंगल। अगर हमारे पास एक ये सॉलिड, ये एंगल है, ये एंगल है, क्या इसका आइडेंटिकल शेप ड्रॉ किया जा सकता है? यस सर, यहां से आप इसको पार्ट में तोड़ सकते हो। ये इसका आइडेंटिकल शेप बताएगा, बोलो बताएगा कि नहीं बताएगा। तो ये हमारा क्या है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, वन हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई, ये लाइन के और ये दिखा दिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है इसको देख लो, थर्ड क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसो लिख देता हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है, पहले आइसोसेल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं आइसोसेल ट्रायंगल, तो कुछ आइसोसेल ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ होगा, क्या देखो ये हमारा क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ज्यादा दिख रहा है आइसोसेल ट्रायंगल, चलो ठीक है आइसोसेल है, और नीचे कर देते तो ये बन जाता हमारा आइसोसेल, ठीक है। तो ये मेरा एक आइसोसेल ट्रायंगल बन गया, ओके। अब आप ये मुझे बताओ, इस आइसोसेल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो, कहां से आप ड्रॉ कर सकते हो? तो कहां आप बीच से कर सकते हो, ऐसे पॉसिबल है नहीं, तो इसकी एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से ही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली वन, इसकी भी कितनी हो गई, ओनली। अब इस फिगर को मैं छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे बनाना है, बहुत बड़े अभी फिगर बनाना है, ठीक है बेटा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद हम देख लेते हैं सेमी सर्कल की, इसकी सेमी सर्कल, इसको भी कर ले सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कैसे होता है, तो ये सर्कल का हाफ होता है। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से कर सकते हो, सब बीचों बीच ही हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री
ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। बोलो बात समझ में, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद हम बात करते हैं एक हमारा क्या है, आइसोट्रेपेजियम। देख लो फिफ्थ नंबर पे करते हैं आइसोट्रेपेजियम। सारे फिगर पे मैं बनाता हूं और आप भी कॉपी में लिखते जाओ आइसोट्रेपेजियम। आइसोट्रेपेजियम क्या होगा भाई? ऐसा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ऐसा ट्रेपेजियम जिसके टू साइड्स इक्वल होगी। तो ये देखो ये मेरा एक आइसोट्रेपेजियम बन गया, एक ऐसा ट्रेपेजियम आइसोट्रेपेजियम। आइसोट्रेपेजियम में कहां से पॉसिबल है? क्या यहां से पॉसिबल है? क्या हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री पॉसिबल है? क्या बिल्कुल नहीं, हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? केवल वर्टिकल लाइन सिमेट्री पॉसिबल है। तो बना लेते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, बन गया। फाइव तक हो चुका है, फाइव तक पहले इतना लिखो फिर मैं बताता हूं, ठीक है? तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फाइव नंबर के बाद आते हैं सिक्स नंबर में, रेक्टेंगल की बात करते हैं। इरेज करने चाह रहा हूं इसको मैं, देखो सिक्स नंबर पे मेरा है क्या, सिक्स नंबर है रेक्टेंगल। सिक्स नंबर पे आते हैं रेक्टेंगल। ये देखो सिक्स नंबर लिखता हूं क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल बना दे भाई, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। देखो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कहां से लाइन ऑफ सिमेट्री? एक के बीचों बीच वर्टिकल एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन, अगर जिनका टेढ़ा वो स्केल से करेंगे, ठीक है? तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इज हियर? टू। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे, सेवेंथ पॉइंट अपना। रेक्टेंगल के बाद ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। देखो 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 एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई, वन बोलो, वन मेरे साथ साथ वन, देखो टू टू, ओके थ्री फोर। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? कितनी होगी इसकी? फोर लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? फोर। और कहीं से ड्रॉ कर सकते हो क्या? देख लो और कहीं से आप लोग का बन रहा हो तो भाई, मेरा तो इतना ही बन रहा है, तो ये इतना ही आइसो आर्स हो गया। हम बात करते हैं अपॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एट नंबर पे क्या है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। देखो यहां पे हम बना रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल के, ए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक ये जाएगा और कहां से हो सकता है? एक ये कर सकते हो सिमेट्री, सेकंड सिमेट्री आप ये ड्रॉ कर सकते हो। तो हाउ मेनी? थ्री। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल? थ्री। ओके अब बात कर लेते हैं और कौन सबसे बचता है, रोम्बस। रोम्बस देखते हैं नाइन्थ नंबर पे कौन है हमारा, रोम्बस। रोम्बस रोम्बस में कितनी लाइन बेटर? रोम्बस में लाइन ऑफ सिमेट्री उनके डायगोनल को लेकर के ही ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज नो। ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ किसके हैं? रोम्बस। हो गया, देखो रोम्बस का लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है? टू। ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री रोम्बस से कितने बनेंगे? टू। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कर लिए हैं तो ऐसे ही पेंटागोन के, पेंटागोन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? फाइव। पेंटागोन में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी बेटा? फाइव।
तो इस तरीके से हमने देखा कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री सभी के ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग फिगर्स के लाइन ऑफ सिमेट्री अलग अलग टाइप के देखो कर दिए हम लोग। ठीक है, तो 9, 10 कंप्लीट कर लेते हैं क्या, पेंटागोन कर लो। चलो रेगुलर पेंटागोन यहां पर आ तो नहीं पाएगा, रेगुलर पेंटागोन, पेंटागोन रेगुलर पेंटागोन बनाओ, रेगुलर पेंटागोन 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। तो कितने कर सकते हो, एक यहां से कर दो, ठीक है ना। तो एक आप ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, फिर ऐसे ड्रॉ करो, फिर ऐसे ड्रॉ करो, तो इसे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, कितनी लाइन सिमेट्री बनेंगी, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री इसके आप हर एक साइड को लेकर के, हर एक एंगल को लेकर के बना सकते हो। जैसे आप यहां से बनाना चाहोगे तो एक यहां से देखो कंप्लीट उतना ही से बन रहा है, यहां से लेकर बनाओ देखो फिर से वही से निकलेगा, ये लेकर बनाओ फिर निकल रहा, देखो ये लेकर बनाओ तो भी आपका सेप निकल रहा है। तो इस तरीके से आप 5 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां लिख दो 5, तो क्लियर है शेप में क्या चीज चल रहा है। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आएंगे। 14.2 हमारी एक्सरसाइज है। सबसे पहले 14.2 में तो इंग्लिश अल्फाबेट में भी देख लीजिएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में आपको आपको अपने लिए होमवर्क के लिए कर रहा हूँ कि सारे इंग्लिश अल्फाबेट का देख लीजिएगा, किसके किसके लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक के आप इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर वाले लिखेंगे और उस कैपिटल लेटर में देखोगे किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है और किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन नहीं रही है। तो क्या सब लोग कर लोगे ना, मुझे विश्वास है कि आप लोग घर में खेल नहीं रहे होगे, पढ़ रहे होगे, और पढ़ना भी है, खेलना जरूरी है, खेलना भी है, बट उसके साथ उससे ज्यादा पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, दोनों साथ साथ काम चलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि हमें लगे कि हाँ पढ़ भी लिए हैं और खेल भी लिए हैं, तो खेलना भी है और उसके साथ साथ उससे ज्यादा पढ़ना भी है। कुछ एक्सरसाइज 14.2 में, एक्सरसाइज 14.2 बोल रहा है टू फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। देखो कुछ नीचे शेप्स बनाए गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, इसको मैं रेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो अब क्या है इसमें करते हैं, देखो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो पहला फिगर बहुत ही अजीब टाइप से बनाया गया, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितने है देख लो। तो ये एक्सरसाइज पे है हम लोग भैया, 14.2 के हैं, 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 1 में शेप्स बनाए गए हैं, अलग अलग शेप है। देखो ये कैसा शेप है भाई, ये ऐसे शेप है, ठीक है, टेढ़ा बन जाए तो कोई हंसे उसेगा नहीं, ये ऐसे शेप बना है। अब आप बताओ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं, इस पे बताओ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो इस पे। यस सर, यहां से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन, तो ये वर्टिकल तरीके से इसको काट सकते हो। इसी तरीके से और भी फिगर है, ये डॉट डॉट मेरा दिख रहा है ना सबको, हाँ ठीक है। और ऐसे ही एक और फिगर बनाया गया, देखो उसको क्या है, ये है फिर बनाया गया आपका ये आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे और कहीं से पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, नहीं ऐसे नहीं पॉसिबल, तो ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ है। मैं पिछली क्लास वीडियो में आपको बताया था सभी लोग अपने ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट कर रखें, अपने ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट करें, ना हो उसको लीजिए, मैनेज करिए, और इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, हम अलग अलग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे फिगर का,
उसको भी करना हमें आना चाहिए, ठीक है। हमें सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, उस चीज पे देखने हैं उसे गए। तो ये मैं बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो में बोला था और अभी बोल रहा हूँ कि अभी भी अगर आप लोग मैनेज ना किए हो तो प्लीज उसको मैनेज कर लीजिए। चैप्टर फिनिश होगा तो मेरे साथ साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री कई फिगर्स बने हुए हैं, उनको देखने कहां से हम उनको लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं, कहां से हम उसको इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप ऑफ द, क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर ये वन हो चुका। क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पहले एक ग्राफ कॉपी लीजिए, ग्राफ कॉपी में आप फिगर बने, जैसे अभी अभी मैं सब चीजें कर रहा था तो ये ग्राफ कॉपी में करेंगे तो आसानी से जल्दी बन जाती है, जितना उधर होगा उतना इधर भी चीजें आराम से दिख जाती हैं। तो ये मेरा ज्योमेट्री फिगर के लिए, तो आप ऐसे ग्राफ कॉपी लेकर उसमें ड्रॉ करिए। क्वेश्चन नंबर टू में है, इस कलेन ट्रेंगल बनाइए, आइसोसेल बनाइए, इक्विलेटरल बनाइए, राइट एंगल ट्रेंगल बनाइए और एक स्क्वायर रोम्बस में, बहुत कुछ तो अभी बता ही दिया हूँ कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर के, जिनका इस पे जिनका मैं यहाँ पर नहीं बनाया था और इस कॉपी में इस क्वेश्चन पे आए, तो उनको आप बनाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जनरली मैं अभी जो इसके पहले बताया था सारे ज्योमेट्रिकल फिगर के बना दिया था, लेकिन कुछ समय राइट एंगल आइसोसेलेस छूट गया था, स्केलेन ट्रेंगल छूट गया था, तो इनको आप लोग अपने से बनाइएगा और देखिएगा कहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, कहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकता। ओके पूछा जा रहा है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ ट्रायंगल डज अ सर्कल हैव। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बता सकते हो। एक सर्कल है, ये सर्कल है, कहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। सर कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दीजिए, है ना, इसमें कहीं से भी ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हम ड्रॉ करेंगे कहीं से भी करो। ये देखो ये इक्वल पार्ट, ये मतलब इनफिनिटी लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ सर्कल, सर्कल में कितनी, इनफिनिटी, नो काउंट, काउंट नहीं करो, इनफिनिटी बोल दो, ठीक है। और फिर क्या पूछा है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ पैरलोग्राम है, एक पैरलोग्राम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पैरलोग्राम, मेरी इसकी इंक भी खत्म हो गई लगता है। हाँ पैरलोग्राम बनाते हैं, ये हमारा बन गया पैरलोग्राम, बोलो बन गया पैरलोग्राम। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कहां से करें, बताओ। अगर यहां से कर रहे हैं ये वाला पार्ट, तो क्या मिरर इमेज उतना ही मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। यहां से अगर करेंगे ये वाले पार्ट, तो क्या मिरर इमेज जितना है उतना ऊपर नीचे देख पा रहे हैं, नहीं, मतलब टूथ हमारे तो फेल हो गए। अब आप आइए डायगोनली ड्रॉ करिए, ये वाला करेंगे ये ऐसे, तो डायगोनली में क्या है, इधर सबसे पहले अगर डायगोनली ड्रॉ कर रहे हैं, देखो अगर ये ऐसे कर रहे हैं तो इधर हमारी मिल रही लॉन्ग साइड, इधर हमारी मिल रही शॉर्ट साइड, सही कह रहे हैं ना, उधर शॉर्ट साइड मिल रही, तो ये डायगोनली भी पॉसिबल नहीं है, तो मतलब जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री ना, जीरो जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ पैरेलोग्राम। तो इस तरीके से क्वेश्चन करिएगा, कहां तक करना है क्वेश्चन आपको, 1 to 4 तक क्वेश्चन आप करेंगे, 1 से 4 तक करेंगे, और जब 1 से 4 तक हो जाए तो उसके आगे हम करेंगे, या फिर आपको होमवर्क में आ जाए तो उसको भी कर लीजिए। तो यही तक करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो पे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहो खाते रहो, तब तक के लिए जय हिंद।